आप 5 साल के शिक्षा, इतनी बढ़िया लाइब्रेरी मैंने किसी गांव में नहीं देखी जितनी बड़ी आपने बना रखी। और वास्तव में मेरा एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। मेरे ख्याल में मेरे को कोई जानकर सुनता नहीं है, तो बजाय कोई और बताओ मैं खुद ही बता दूं। और क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है, इसीलिए लंबी लंबी बात करने की बजाय छोटी छोटी बता दो। शक्ल तो मैं वैसे ही लगू हूँ आम सा, और परिवार भी मेरा आम सा था। मेरे फादर JBT टीचर थे, और भिवानी डिस्ट्रिक्ट का एक बेकार सा गांव है जिसमें आज भी सरकारी बस नहीं जाती। फादर JBT टीचर थे। 8वीं के स्कूल में मैं सबसे अच्छा बच्चा था। 10वीं का हमारा जो स्कूल था उसमें 6 गांवों के बच्चे आते थे, वहाँ पर मैंने टॉप किया। उसके बाद रोहतक चले गए, पजामा पहन के जाया करते भाई। हमारे को शहर वाले लोगों ने पिछली सीट पर बैठा दिया कि ये साइंस पढ़ेगा। वहाँ पर भी हमने फर्स्ट डिवीजन ली, और उसके बाद MSc फिजिक्स में MD यूनिवर्सिटी में 1980 में आई वाज दी टॉपर ऑफ यूनिवर्सिटी। तो ये सारी बात मैं क्यों बताना चाहता हूँ कि मैं भी आप जैसे ही उसमें से, आपका तो गाँव बहुत बढ़िया बता रहे 10-12 हज़ार की आबादी, हमारी तो 5-6 हज़ार का छोटा सा गाँव है। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद भाई जब मैंने MSc करी तो 3 नौकरी मेरे हाथ में थी। एक बैंक ऑफ बड़ौदा होता था, वहाँ पर क्या पॉलिसी थी कि भाई कोई भी आदमी जो यूनिवर्सिटी टॉप करता है, कोई भी लड़का, वो सीधा आए और ज्वाइन कर ले। पूरी तरफ कर दे भाई, उन्हें दिखा दे मेरे देखा होगा। तो वो सीधा था। एक टेलीग्राफ जो डिपार्टमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इसमें सिग्नल इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, वो खाली थी। तीसरा जाट कॉलेज वाले, भाई जाटा का लड़का इतने नंबर लेके आ रहा है, उसमें हम लगा लेंगे। तो 3 पोस्ट मेरे पास थी, जाट कॉलेज में ज्वाइन किया। उसके बाद बिना किसी सिफारिश के HPSC का मेंबर था एक, उसके घर में मैं किराए पर रहता था। तो इंटरव्यू पे गया तो कौन करे, तेरा सिलेक्शन ना हो रहा। उसने उठा के मेरे को 1 नंबर पर सिलेक्ट किया। जाट कॉलेज छोड़ के मैं गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी में मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद क्या हुआ, हम डेपुटेशन पर यूनिवर्सिटी कॉलेज में चले गए। वहाँ पर जो प्रिंसिपल आया वो मेरा रूममेट हुआ करता। मैंने उसको घनी सारी सलाह दी, भाई लाइब्रेरी में ये कर दे। कॉलेज में क्या होता है आपको पता ही होगा, 14 दिन के बाद किताब वापस ले देते हैं। मुश्किल से रट्टा मारा था भाई, पेपर होने से पहले किताब उल्टी ले ली। बड़ा दुखी था मैं तो, 15-20 साल तक मैं इस बात का इंतजार कर रहा था। मैंने उसको सलाह दी कि भाई ये किताब जो है ना 14 दिन की हटा दे, तो ना बात तो तेरी ठीक है पर कर नहीं सकती। करते करते भाई उसने 6-7 मैंने ऐसी सलाह दी जो सबके काम की थी, स्टूडेंट थी, उसने एक भी नहीं मानी। किस्मत अच्छी थी, उसी दौरान वैकेंसी निकलाई सरकार की 7 प्रिंसिपल्स की। मैंने अप्लाई कर दिया, बाकियों के तो 1 साल का 1 नंबर मिले था, मैंने भी मिले था। मेरे 30 साल का एक्सपीरियंस हो रहा, सारे हरियाणा में 1 नंबर के ऊपर मेरा सिलेक्शन हुआ। किसी ने जज सके गाँव का लड़का, बात अभी खत्म नहीं हुई। जब शादी शुदी हुई ना, तो मेरी ये इच्छा थी कि मेरी शादी शहर की लड़की से हो। चंडीगढ़ से मेरी शादी हुई भाई, जब भी मैं फूल के खोपा हो गया। 2 बच्चे हैं मेरा, एक लड़का एक लड़की, दोनों मेरी कम ब्याह रखे। घनी सारी तनख्वाह मिले भाई, पेंशन होगी अब तो मेरा क्या कहेगा। ये सारी कहानी बताने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है, हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा आपके पास है। यहाँ पे अगर आप जोर लगाओ तो कुछ भी हो सकता है। अभी मैं आपके इनसे पूछ रहा था भाई साहब से कि आपके गांव का बेस्ट अचीवर कौन है जो सबसे हाईएस्ट अब तक का पहुंचा। क्योंकि हमारे गाँव में सबसे ज्यादा बड़ी कमी क्या है, हम अपने का आदर नहीं करते। दूसरा कोई आ जाए उसके पाए हाथ लाने तैयार है, लेकिन अपना जो सच सता हुआ काश में पहुंच रहा उसको इज्जत नहीं देते। जो भी हमारे आर्मी के ऑफिसर हैं उनको बुलाओ यहाँ बार बार, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है यार, आदर तो कर ही सकते हैं ना, उसको और कुछ नहीं चाहिए। भगवान की दया से जो ऊपर पोजिशन में आ जाता, पैसे वैसे की परवाह किसी को नहीं होती, उनको सम्मान की जरूरत होती है। मेरे को हमारे गाँव में गुग्गा का मेला भरता है, मैंने 10 बार उनसे कह लिया मेरे को बुला के करो, कोई लाइब्रेरी वगैरह बनाओ, किसी को कमी नहीं है। तो भाई मुझे सबसे अच्छी बात जो यहाँ की लगी वो ये है कि आपके पास लाइब्रेरी है। और ये बात तो मैं हमेशा कहता हूँ, ये तो फिर भी कुछ कर लेंगे आप लोगों के लिए, तो बेटा मरने मिटने की बारी है। जितनी मेहनत कर लोगे उतना ही आगे, भगवान ने कमर के ऊपर लिख के भेज रखा है कि बेटा इतने दिन तो ऐसे है और इतने दिन दुर्गति है। दुर्गति मीन्स मेहनत है, मेहनत पहले कर लो ऐसी ऐसे, और मेहनत नहीं करी तो भाई बच्चा एक दिन पजामा खींच के चीज मांगेगा ना, जेब में कुछ नहीं होगा, तो इधर जीत रहेगा डूब के मर जा। इसलिए मेहनत करने में किसी तरह की कोई कसर ना छोड़। मैं स्कूल में भाषण दे के आया था, मुझे नहीं पता था इतने बढ़िया बढ़िया बालक मैंने मिल जाएंगे। आपको तो मेरे से वो बात पूछनी चाहिए जो आपको तकलीफ देती है, जहां आपको दिक्कत आती है। आप तैयारी करते हो, सरकारी नौकरी का फितूर सब कर चढ़ा हुआ है और चढ़ना भी चाहिए, लेकिन मैं सच्चाई बता के जा रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट आए थे मेरी बात को याद रखना,
किसी भी सरकार की ये नीयत नहीं है कि आपको नौकरी मिले, हर एक की नीयत ये है कि उन्हें वोट मिले। इससे पहले सरकार थी 10 साल पहले 60,000 वैकेंसी निकाले थे, जिस दिन वो गए और ईवीए निकालेंगी लाभ कोई नहीं गा। इसलिए सिवाय सिर्फ और सिर्फ सरकारी के पीछे रहोगे ना तो हताशा आंख लगेगी। अपने आप को तैयार करो, सरकारी मिलती है बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती तो उसका ये मतलब नहीं कि हम नौकरी नहीं करेंगे। काम करने की अगर आप आदत डालोगे प्राइवेट सेक्टर में, बेटा इतने पैसे हैं जो आपसे गिने नहीं जाएंगे। फर्क है किसके लिए, जो मेहनत कर। आप किसी कंपनी वाले को 4 लाख का कमा के दोगे तो आपको उसमें से 1,50,000 कुछ ना कुछ मिलेगा। सरकारी तो भाई सरकारी है, हमने सरकारी का मतलब गलत निकाल लिया है, नहीं तो सरकार में भी बहुत कुछ है। इसलिए फैसला ये मत करो कि सरकारी ही लेनी है, फैसला ये करो कि कमा के खाना है। उसमें सरकारी मिलती है तो बहुत ही अच्छा भाई, नहीं मिलती तो दूसरी भी अच्छी। आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, एक भी डाटा देख लिया तो दिमाग घूम जाएगा। और यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजों की बात करता हूँ, अभी आया ना नेट का रिजल्ट आया 3-4 दिन पहले, 18 तारीख को आया, जो कैंसिल भी कर दिया। सारे हरियाणा में 2,200-2,300 लेक्चरर तो है गवर्नमेंट में और 3,000 होंगे प्राइवेट, 6,000 टोटल लेक्चरर को ना, 72,000 लोग कंपटीशन में बैठे। आप सोच के देखो 72,000 में अगर 6,000-5,000 नौकरी मिलेगी तो हम कहाँ होंगे। इसलिए आप ये संकल्प लो कि भाई मेहनत तो हमें करनी ही करनी है और कहीं भी नौकरी मिलेगी वही करेंगे। कोशिश करो आपको सरकारी मिले, बहुत ही अच्छी बात है, मिलती भी है, हमारे वैसे मिलती है। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ सरकारी करेंगे, आपको अल्टरनेटिव तैयार करना पड़ेगा। जो जो उसमें कहना है भाषण दे दिया ना। आपका कोई सवाल है, क्योंकि बड़े बड़े बच्चे हो आपको छोटी छोटी कहानी में सुना क्या करूँगा। फेसबुक के ऊपर मेरा पेज है वेद प्रकाश ओरान के नाम से, उस पर कम से कम 1,500 ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ थी मैंने डाल रखी हैं, जिनको सुन के आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो आप वहीं से सुन लेना, आपके साथ में कहानी कोई नहीं शेयर करना चाहता, आपके साथ तो मैं वो बात करना चाहता हूँ जो आपकी समस्या है। आप कल्पना करके देखो, ये जो आपकी टीम है इसकी बजाय आपके हाथ में ये चीज आ जा तो क्या और करोगे। यहाँ ऐसी कोई चीज जो आप यहाँ करना चाहते हो नहीं हो रही, किस चीज की तैयारी करते हैं वैसे ज्यादातर बच्चे उनके है? कौन सा कंपटीशन? SSC? हाँ वो तो एक ही बात इसी चीज SSC को। आप कौन सी तैयारी करते हो? PG कितने आप में से? पोस्ट ग्रेजुएट थोड़े ही है, ज्यादातर ग्रेजुएट है। करो भाई तैयारी, बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि आप तैयारी करो, मेहनत करो, बढ़िया नौकरी लो, लेकिन साथ साथ संस्कार भी बहुत जरूरी होने भाई। बहुत ज्यादा गिरावट है आप लोगों को घर बसाने आज से 5-4 साल बाद। मुंह देख के मेरे को ऐसा लगता है जैसे गणेश जी भी सो रहे हो, इसलिए छोटी छोटी बात भी हल्की हल्की हमें करनी चाहिए। मास्टर जी थे बोले बाड़े थे मेरे जैसे, घना सा हिसाब किताब नहीं आया करता, घरवाली ड्रेस भी उसे आ दिया करती और वही पहन लिया करता। एक बार वो मार्केट में जा रहा था, कुछ स्कूल का सामान खरीदा, उसका एक पैंट पसंद आ गई, खरीद ली। घर आया लेके तो पहन के देखी भाई, पहली बार खरीद के लाया था, इतनी लंबी आ रही हो। मैडम ने देख लिया कि करो हो, क्योंकि पैंट लिया था और या तो गलत आ गई। तो कहती है तेरा इतना दिमाग जो है नहीं तो क्यों लाया तू, मैं हमेशा लिया करती, तन की जरूरत। कहता जब नहीं होगी गलती तो तू, इसने ना 2-1 इंच मोड़ दिए नीचे। तो लगे मन में इतनी खुशी इतना, तू अपने बदलवा लो, मैं ना मोड़ू मारू, मैं यो कमरे गया बड़का का सब कुछ करूँ, ऊपर से तेरे पैंट वो मैं ना करूँ। सॉरी कॉलेज में जाकर बेटा आइए, एक गलती होगी, तेरी मम्मी तो नाराज हो रही है, तो इसने 2-1 इंच। पापा मैंने अपना होमवर्क पे फुर्सत को ना, ऊपर तो मम्मी नहीं कहीं कर दे, मैं ना अपनी बदलवा ले। भैया अपने देश में ऐसा सिस्टम है, किसी दुकानदार का तुम बदलवा चले जाओ ना तो न्यू भी हो सकता है उड़का भर ले, कति उल्टा नहीं ले, मेरी दुकान पर नहीं ले गया था, दो फर पक्ष आइए फलन है ना, उल्टा लेके कोई राजी नहीं। मास्टर जी दुखी हो गए भाई, जो ठीक है दर्दी ठा गए, स्कूल में चला गया। दोपहर के बाद स्कूल में तो गुड़िया आई कॉलेज में से, आई पापा मैंने कभी काम कया नहीं करे, एक बार तो कही और मैंने उन तक काम नहीं करा, ना ना रोटी पास से खाऊंगी। पहला पापा की पेंट लाई और 2-2.5 इंच हुआ मोड़ दी टूटी उड़े था। फिर मास्टरनी आई, उसकी मम्मी आई, लिया पेंट ही भुगतना तो पड़ेगा, इतने साल तो भुगतना था, अगरी पेंट उठाई और 2 इंच उसने कर दी फोल्ड भाई, दर्दी हो गए। मास्टर जी रात में पड़ा पड़ा सोचा भाई ना फोल्ड करते यार, पैर चालू और क्या करूँ, दुकानदार बोले वो नहीं। अगले दिन तरफ नहा धो के पेंट पहले पेंट तो गोटा था यार,
पर मास्टर जी ने वह पेंट निकाली नहीं, वही पेंट पहन के स्कूल में चला गया और प्रेयर में स्टेज के ऊपर चढ़ गया। सारा स्कूल देख कर हंसा कि ये मास्टर जी के कह रहे, कहता किसी को अगर अच्छा परिवार देखना है ना, संस्कारी कुटुंब देखना है तो मेरे घर आए। इतना प्रेम प्यार, इतनी लगन और इतनी एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट की भावना शायद किसी घर में आज के दिन बच रही। आप देखोगे हम भी उसी कैटेगरी में थे, जब 12वीं 13वीं में हुए ना हम, तो पापा और मम्मी इसे लगन लागे थे तेरी नकी माता दिशा ना की बात करें थी सर। और जब 25-24 के हुए तब तो हमने कतिये रिजेक्ट कर दिए थे कि तो कति इसे पल्ले पड़ गए किसे काम है, जबकि वास्तविकता क्या होती है कि ये जो 18 से 25 साल की जो उम्र है ना, इस दौरान हमारा बहुत कुछ बदलता है, शरीर भी बदलता है, सोच भी बदलती है, संसार भी बदलता है। उस दौरान दो मोटी मोटी चीजें कोई मेरे से पूछे, एक तो दिल और एक दिमाग। जिस इंसान को इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना आ गया वो नैया को पार ले जाता है, और जो एक पर चढ़ गया, चाहे दिल की पर चढ़ जा चाहे दिमाग की पर चढ़ जाए, आपने देखा और कितने सारे अखबार भरे पड़े, सिर्फ और सिर्फ दिल की मानी ना सत्यानाश निश्चित है, जरूर कुछ ना कुछ गलत होगा, और सिर्फ और सिर्फ दिमाग की मानी तो भी गड़बड़ हो जाएगी। इंसान में भावना भी उतनी ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा दिमाग जरूरी है, क्योंकि दिमाग तो हमें रास्ता दिखाता होता है ना, मन और बुद्धि। मन क्या होता है जी, आपने बताना तुम बता दो, मारे से ना पूछो। मन ने भी जो मास्टर जी पूछा करता ना वो बहुत बूंदा लग जाता, मगर यार क्लास लेनी अपनी पढ़ाओ, मारे से पूछने भी मतलब। मन क्या होता है देखता, हरियाणा के किसी कोने में जाके पूछ लो मन क्या होता है, एक आध जरूर पा जाके जी चंचल, क्योंकि सबका चंचल होता है भाई, बताओ चाहे ना बताओ मन में तो पता नहीं क्या क्या होता है। बल्कि मैं तो और भी आगे सोचता हूँ, कान के हाथ लगाता हूँ, नाक के लगाता हूँ, हाथ कहीं पर भी लगाता हूँ तो आपको दिखता है, और मन में जो सोचता हूँ वो नहीं पता। अरे सोच के देखो, ये तो भगवान ने मेहरबानी कर दी, और जैसे सबने पता लग गया होता तो एक दिन में 3-3 बार पिटते हैं, क्योंकि मन में जो उठता है वो पता नहीं क्या क्या है। इसलिए मन पर काबू करना ना जी होता तो कौन है, होता कभी मन पे काबू झूठ तो बेशक बोल दो आप कोई बात नहीं, लेकिन मन कभी भी काबू नहीं रहता। और मेरे साथ तो उल्टा होता है, जिस चीज के बारे में नहीं सोचना ना वही सोचनी है। जैसे कहीं जाके बैठे भाई पीछे कोई नहीं देखेगा तो जी कर यार कि मैं तो होगा देखना चाहिए, वैसे बैठे तो ठीक ठाक, लेकिन कहने के बाद बार बार उसी तरफ फैल जाता। मन को कंट्रोल करने का एक तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत काम आएगा, क्योंकि जवानी में मन ही है जो हमें विचलित करता है। सबको पता है पढ़ाई में सब कुछ है, पर मन लग गजब ना, और मेरे साथ तो वही इतनी ज्यादा जागती हुआ करती। मैं छोटा सा था 8वीं 7वीं में, मरा था वैसे मास्टर जी स्कूल में बसण देना, बेटा पढ़ा कर, कोई पढ़ा कर, जीना आराम कर दिया, घर जाओ, अरे होमवर्क कर लिया, तू पढ़ा कर की ठंडी जा, कोई अड़ोसी पड़ोसी आ रहा उसी क्लास में हो गया भाई 7वीं में, पढ़ा कर बेटा, पढ़ा बना कुछ नहीं है। बुआ थी मेरी एक, साल में 6 महीने 8 महीने में आया करती, सिर पूछ कर बेटा पढ़ा कर। मैंने सोचा था यार आप तो अनपढ़ है, और मैंने की गए पढ़ा। ये बात जो इतनी हल्की लग गया करती, बाद में पता चला ये तो सारा फर्क इस बात का था, हम पढ़ गए तो ये हालत हो गई, ये चीजें हमें मिली, और जो हमारी साथ नहीं पढ़े थे कई तो जा लिए भाई बाकी लाइन में खड़े बड़े भूखे गाँव में, क्योंकि जब पढ़ने का टाइम था जब वो पढ़े नहीं, बाद में हमारा कुछ भूखा नहीं। मन सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी पढ़ाई, उसको कंट्रोल करने का मैं एक छोटा सा तरीका है। राजा था एक, उसके पास बकरा था, उसने ऐलान कर दिया भाई मेरे बकरे जो घास पे छका देगा ना उसने 100 अशर्फी दूंगा। अशर्फी देखिए सोने की होती होंगी, हमने भी नहीं देखी कभी, सिक्के से होते बताते, 100 अशर्फी दान उसको दूंगा इनाम में। किस बात की, बकरे को बोलते बोलते भी हो यार ऐसे ही रहते सारे दिन, तो वो कहता है अगर 100 अशर्फी तो मिले छका देगा, और अगर नहीं छका पाए तो 100 कोड़े लगेंगे दरबार में, बेइज्जती होगी वाल। थोड़ा सा आदमी था पीछे से उठ के आ गया, उन्होंने सोचा यार इतनी बुरी अशर्फी बकराए तो छकाना, फिर वो भी घास से मैं छका दूँ, ले गया बकरे में गाना सारी रात भाई, एक हफ्ते का टाइम दे दिया, रोज खुआओ इसे, बकरा तो बकरा है, सारी तरह का घास खुआ भाई मौज होगी। एक हफ्ते बाद बकरा लाया गया दरबार में, बकरा आया घास उसकी तरफ करे उसने खा लिया,
राजा का वास है भाई केवराकी साहब, कितने कोड़े लगे। सो इंसल्ट हुई वजारी, राजा छो में आ गया, ना अब की बार 200 सर भी दूंगा और 7 दिन में नहीं, सिर्फ 3 दिन में सुखा के लाऊंगा। एक बावड़ा फिर फंस गया, यो एक काम फिर हुआ, फिर बकराया, फिर वो फिर लगे उसके कोड़े। पीछे बैठा था एक समझदार साहब खड़ा हो गया, महाराज जी क्यों लोगों ने बेवकूफ बना रहे, मैं लाऊंगा ही बकरे छुका दू, जिन जिन ना चाहिए एक रात रात में छुका लूंगा, पर ये जो 80 रुपये है ये ना चाहिए मुझे, मैं तो आधा राज लूंगा तेरा, बोल मंजूर हो तो। और जब नहीं छका सकू तो तू के को थे, आप गोले मारेंगे, 100 मारेंगे, 200 मारेंगे, मेरी गर्दन काट दियो ना छुका पाऊ। फंस गया राजा बेचारा, ले जा भाई, ले गया बकरे को, क्या करना है छिकाना है, वो भी घास थे, समझदार आदमी था भाई, बकरा बांध दिया, दाना चने और भी जितनी चीज बकरे में च्वाइस की लगी वो सारी खुआई, पर घास नहीं खुआया, सामने लग गया था खुआन करके, तीन छका दिया, फिर ले आया घास, और घास ले आके बकरे का मुंह का नहीं कराया, बकरे जैसे मुंह कराया ले भी डंडा उसको मारा, फिर घास कराया, फिर मुंह कराया, फिर मारा डंडा, 4 बजे तक इसी प्रैक्टिस करा दी कि घास का नहीं बकरा मुंह करने की बजाय वो डंडा दिखे नहीं उन्हें, मुंह किस तरह कर ले पढ़ ली कर। अगले दिन दरबार में बकरा आया और राजा ने जब घास उसका नहीं कराया, क्या कराया बकरे ने मुंह इसी, बकरा बकरा नहीं है, बकरे हम हैं, और घास वो गंदे विचार है जो हमारे मन में उठते हैं, उन गंदे विचारों को पहला डंडा आपने मार दिया तो ठीक है ना, तो भाई एक गंदा होगा, फिर उसका दूसरा गंदा होगा, फिर तीसरा गंदा, और गंदा लाइन लग जाएगी, वह किताब तो अगर खुल रही है चाहे तो बिरण किस चल रहे। इसलिए अपने आप को अगर कंट्रोल करना है तो कोई दूसरा भाषण देना नहीं होगा, किसने करना है खुद ही ने करना, और हम कर क्या रहे हैं, मुझे तो नहीं पता आपके गाँव में कितना बढ़िया माहौल है, लेकिन शहर में अगर जाके देखोगे तो जो कर रहे हैं वो बताऊंगा, देख रहा जान से क्या वही हो रहा है। घर का जो सबसे पहला आदमी है, आपने ये तो पढ़ाई होगा, सोच कितनी तरह के होते हैं, विचार कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के विचार होते हैं, 3 तरह के, पॉजिटिव थॉट अच्छे विचार, नेगेटिव थॉट बुरे विचार, वेस्ट थॉट व्यर्थ विचार बेकार के विचार। कई बार हम बैठे होते हैं ना, बैठे बैठे कुछ सोचते हैं, फिर वो सोचते सोचते कुछ और सोचते, फिर और सोचते, फिर सोचते यार ये क्या सोचने लग रहा था, ये काम तो कभी होना ही नहीं, ऐसे विचार को क्या कहते हैं, वे नरे आते हैं, नरे बताते नहीं हम किसी को, लेकिन आते हैं बहुत सारे। ये उदाहरण है, उदाहरण दूंगा तो घड़े तो दिन तक याद रहेगा। गाँव है हमारा भाई, वो मेरे मामा के लड़के की बेटी की शादी है, मेरे को भी बुला लिया, चाचा लगता हूँ मसूरी का, गीता चले गए, शाम का टाइम होगा कोई 4:45 बजे से बारात आने का टाइम, गीता बेहोश होगी, सारे घर में को रमाचिया, जिसका ब्याह हुआ है छोरी बेहोश हो गए, पानी के छिपे देर कोई पंखा करे खोल दो कबाड़ ये वो कही दे, 15-20 मिनट में वो बैठी, बेटा क्या बात होगी, कुछ नहीं मम्मी आई, बेटा पेट दर्द ना, सिर दुख है ना, और किधर दर्द ना, क्या होया, कुछ नहीं, किसी ने नहीं बताओ भाई, फिर किसी ने बताया कि इसका सच्चा है वेद प्रकाश, उसने बता सके किसका नाम है वेद प्रकाश, मैं तो भाई चौड़ा हो गया, उन्हें बताओगी, गया मैं, हाँ बेटा की बात थी, कहता सच्चा कुछ ना, क्या ऐसे कैसे होगा, कुछ ना कुछ तो बात होगी ना, कुछ ना, मैं कुछ दुख रहा था ना, वो तो बात की हुई थी, कुछ ना, मैंने कहा ना, कहती मैं बता तो दूंगी फिर आप सबने बताओगी, मैं कहा चलो प्रोमिस किसी को नहीं बताएंगे, ऊपर बैठे थे सुबारे में, मैंने सारे भेज दिए, इसकी मम्मी ताई सारी बार चली, हम मेरे साथ लगा, बता बेटा गीता के बात, मैं भी नहीं बता दूँ, मैं हाँ भी नहीं बता दें, उन्हें चाचा 1:30 बजे से ना हम मार्केट में गए थे, मैं मम्मी 2 मेरी सहेली और चाची, वहां मैंने तो मेहंदी लगवाई, उसने नेल करवाए, उसने ये करवाए, फिर हम उल्टे आवा थे, मेरी जो सहेली थी उनका घर तो राम था, बहुत उड़े रुकी, ऊपर आने लगे चाची तलाई रहेगी, मेरे मम्मी थे नीचे तो बुआ ने आवाज लगा ली, मम्मी भी चली गई, मैं एक नहीं बैठी थी, बैठे बैठे मैंने सोचा बरात ना आई तो, मैंने कहा बेटा तुमने ऐसे क्यों सोचा, तो चाचा बीच में मत बोल, मैं क्या बताऊंगी, और कुछ बताना है, और क्या बताओगी,
तो जी फिर मैंने सोचा यू इतना सारा खाना बन रहा इसका क्या होगा, ये भी कोई सोचने की बात है। लेकिन ना ना चाहता फिर मैंने नहीं सोची एक फूफार जीजा और इन सही जो कपड़े लग दिया ये दोबारा देना पड़ेगा क्या इस संसार जी। मैं सोचू तो बड़ी बावड़ी है, अच्छा फिर मेरे दिमाग में आई जस्ट बरात नहीं आई